हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं सुजुकी के एक नए प्रोडक्ट जिसका नाम है बक्समैन स्ट्रीट। बक्समैन स्ट्रीट एक 125 सीरीज़ का एक स्कूटर है जो कि सुजुकी मैन्युफैक्चर करती है। ये दिखने में बहुत ही डिज़ाइनर, बहुत ही स्टाइलिश एंड एलिगेंट लगती है। इसका रोड पे प्रेजेंस बहुत ही अच्छा है कि इंस्पायर्ड है बक्समैन 650 सीरीज की स्कूटर से, जो कि एक स्पोर्ट्स स्कूटर है। स्पोर्ट्स स्कूटर या स्पोर्ट्स बाइक्स आप बोल सकते हो। इसकी लाइट्स पे लाइक LED यूज़ की गई हैं, दिखने में बहुत ही अट्रैक्टिव हैं। आप ये भी देख सकते हो इस स्कूटर में जितने भी एसेसरीज सुजुकी प्रोवाइड करती है, मैन्युफैक्चर करती है फॉर स्पेसिफिकली फॉर दिस स्कूटर, सब कुछ इंस्टॉल्ड है। इसके साइलेंस बहुत ही स्पोर्टी है, ऐसा साइलेंस आपको आई थिंक किसी और स्कूटर में नहीं दिखेगा। MRF के टायर्स यूज़ किए गए हैं, अलॉय व्हील्स हैं इसमें। जो इसका ग्राउंड क्लियरेंस है अप्रॉक्सीमेटली 160 mm, इक्विवेलेंट टू 16 cm के आसपास है। MRF के टायर्स इसमें यूज़ किए गए हैं। इसमें आप फुट रेस्ट आप देखोगे तो एलुमिनियम पिलॉन के फुट रेस्ट हैं, जो दिखने में बहुत श्योर लगते हैं, सिंपल लगते हैं, बट हाँ अच्छे दिखते हैं। फ्रंट साइड की बात करें तो इसमें सबसे पहले जो आपको दिखता है वो है विंडशील्ड। विंडशील्ड अपने सेगमेंट में काफ़ी बड़ा विंडशील्ड है, दिखने में काफ़ी अच्छा है, डिज़ाइनर है, अच्छी प्रेजेंस शो कर रहा है। इसका मैं जो इसकी पॉली रैप्स हैं इसको हटा के दिखाता हूँ कैसे दिखता है। कह सकते हो इट इज़ वन ऑफ द स्टाइलिश विंडशील्ड जो कि ब्लैक पियानो फिनिश में दिया गया है। ऑलमोस्ट इसमें LED लाइट्स दी गई हैं। LED लाइट्स काफ़ी अच्छा लाइट थ्रो करती हैं, आपको रात में कोई डिफ़िकल्टी नहीं फील होने वाली है इन द टर्म्स ऑफ लाइटिंग एंड ऑल। एसेसरीज इंस्टॉल्ड हैं क्योंकि इसकी बॉडी है जो फाइबर बॉडी है, तो फाइबर बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए एसेसरीज डेफिनेटली आपको इंस्टॉल करनी चाहिए। यू कैन से दैट दिस इज़ वन ऑफ द स्टाइलिश बक्समैन स्कूटर इन 125 सीरीज और इन एनी स्कूटर दैट इज़ वन ऑफ द स्टाइलिश सीरीज का। जो बैक की है उसका आप यूज़ कर सकते हो, इसका जो की सेफ्टी लॉक है उसको ओपन करने के लिए। एंड यहाँ पे एक छोटा सा स्पेस दिया गया है, जस्ट लाइक आप कह सकते हो 1 लीटर की बॉटल आप इसमें रख सकते हो ईजली। इसका स्पीडोमीटर डिजिटल है, डिजिटल डिस्प्ले दिया गया है। इसमें सारी इंफॉर्मेशन जैसे लाइक स्पीडोमीटर इंडिकेशन, फ्यूल कैपेसिटी, ट्रिप मीटर्स, टाइमिंग एंड बहुत सारी फंक्शनैलिटी इसमें ऑलरेडी लाइक इंस्टॉल्ड हैं। इसकी लाइट आप देख सकते हो, LED से मैंने ऑन कर रखा है एज़ पर BS6 नॉर्म्स। सारी स्कूटर या बाइक्स की LEDs फ्रंट LED ऑन होनी चाहिए वो इसमें दी गई है। वाइट कलर की LED यू कैन से कि काफ़ी एफिशिएंट होती है इन द टर्म्स ऑफ पावर एंड इसका थ्रो भी बहुत अच्छा होता है। ये स्कूटर में गवर्नमेंट की सारी पॉलिसीज लाइक इंस्टॉल्ड हैं, जिससे कि BS6 इंजन आज के टाइम पे कंपल्सरी है जो कि पॉल्यूशन कम फैलाती है। सो इट इज़ वन ऑफ द एफिशिएंट गुड वे टू प्रोटेक्ट अवर इन्वायरमेंट। इसमें एक सिंगल बटन, स्टार्ट एंड स्टॉप बटन का फीचर दिया गया, जिसके थ्रू आप अपनी स्कूटर ऑन कर सकते हो। ऑन करने के लिए सिंपल है, ब्रेक दबाइए और नीचे प्रेस कीजिए तो ऑन हो जाती है, और ऊपर आप करोगे तो आपका स्कूटर ऑफ हो जाता है। जैसे ही आप ऑन करते हो तो इसकी मैक्सिमम इसके 3 km/h की होती है विदाउट एनी एस्केलेशन, और जब आप इसका एस्केलेशन आपने स्टार्ट किया तो आपका ये आगे बढ़ने लगती है एज पर जो भी आप एस्केलेटर इसमें देते हो। अपार्ट फ्रॉम दिस काफ़ी इसमें एक छोटा सा बटन दिया गया जिससे आप सेफ्टी लॉक ऑफ कर सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे एक छोटा सा और स्पेस दिया है जिसके थ्रू आप अपने मोबाइल फ़ोन को चार्ज कर सकते हो। उसके लिए एक कार कनेक्टर्स आते हैं, कार USB कार कनेक्टर्स यू कैन से, जिसको यूज़ करके आप अपना मोबाइल फ़ोन चार्ज कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दिस अपना मोबाइल फ़ोन आप कनेक्ट भी कर सकते हो इसके डिस्प्ले पैनल से, जो कि बहुत ही अच्छा फीचर है। इसके थ्रू आप बहुत सारी फंक्शनैलिटी यूज़ कर सकते हो, जस्ट लाइक डायरेक्शन डिस्प्ले, फ़ोन रिसीव, डिस्कनेक्ट, ये सब इंफॉर्मेशन आपको शो केश होंगी आपके डिस्प्ले पे। अपार्ट फ्रॉम दिस जितने भी इंडिकेशन पॉइंट्स हैं जस्ट लाइक लेफ्ट, राइट, हाई बीम, लो बीम, सब कुछ इंफॉर्मेशन आपको डिस्प्ले पैनल में दिखता है। बहुत ही अच्छा फीचर है, बहुत फ्रूटफुल फंक्शनैलिटीज़ हैं। ये फीचर बहुत ही सिंपल, यू कैन से सिंगल फिंगर यूजबल फीचर है, जिसके थ्रू आप सिंगल फिंगर से आपका कुछ कंट्रोल कर सकते हो। इसकी साइड लाइट्स भी अच्छी हैं, जिससे जस्ट लाइक जितने भी आसपास के राइडर्स उनको उनको पता चलेगा कि आप लेफ्ट मूव हो रहे हो या राइट मूव हो रहे हो, ईजली पता चल जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दिस
हाई बीम लो बीम की इंफॉर्मेशन भी आपको इसमें डिस्प्ले होती है, और हाई बीम लो बीम इंडिकेशन बिना स्कूटर स्टार्ट किए हुए आप एक्टिवेट कर सकते हो। हॉर्न इसका बहुत ही सोफिस्टिकेटेड है, बहुत लाउड नहीं है जो अच्छी बात है। अगर आप थोड़ा सा इसका की पीछे करोगे तो आपका जो स्पेस है जहाँ पे आप अपना हेलमेट बिलो द स्पेस ऑफ योर सीट वो ओपन हो जाती है, और अराउंड 5.5 लीटर की कैपेसिटी दे रखी है, फ्यूल कैपेसिटी, फ्यूल टैंक कैपेसिटी यू कैन से। इसका एवरेज अराउंड 50-55 किलोमीटर पर लीटर का है, इससे ज़्यादा आप एक्सपेक्ट मत कीजिएगा। इसकी जो हैंडलिंग है वो बहुत स्मूथ है बिकॉज इसका हैंडल इज सेपरेट फ्रॉम द बॉडी। दीज आर द फ्यू इंजन स्पेसिफिकेशन विच हैज़ बीन रिलीज बाय द सुजुकी। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज लाइक इट। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज कमेंट इट एंड शेयर दिस वीडियो एज मच एज पॉसिबल। थैंक यू एंड हैव ए नाइस।